अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका वेलकम हो चुका है नाज़िम शाह के ब्लॉग में। तो आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ। मेरी सुबह हो चुकी है, राफिक की नहीं हुई है। देखो राफिक सोया है, राफिक को अभी भी उठना नहीं है। आज राफिक ट्यूशन भी नहीं जाने वाला है ना स्कूल जाने वाला है, क्योंकि उसकी दीदी आई है। तो बोलता है मम्मी आज एक दिन मेरे को छुट्टी लो, मैं दीदी के साथ घर पर उसके बैठूँगा। तो मुझे ठीक है। तो आज मैं बनाई हूँ दाल चावल और मेथी की भाजी, क्योंकि मुझे मेरी छोटी ननन ने दावत दिए है। एक्चुअली मेरी बड़ी ननन गए थे उमरा पर, उनकी पूरी फैमिली गई थी उमरा पर, तो वो लोग आए हैं। तो अभी छोटी वाली ननन ने सबको दावत दी, तो उन्होंने हम लोगों को भी दावत दी है। तो मैंने ठीक है, अभी एक टाइम के लिए क्या ही बनाऊँ। तो मैंने सोची कि चलो दाल चावल बना लेते, शाम में तो वहाँ जाकर खाऊंगी। तो फिर अभी मैंने दाल चावल बना दी हूँ, मेरा पूरा काम हो चुका है। मैंने नाश्ता भी कर ली थी और दाल चावल फटाफट मैंने बना ली हूँ, भाजी और दाल चावल। तो बस अभी देखती हूँ, जब ये आएंगे तो मैं खाना खाऊंगी। तो अभी चलिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़े टाइम बाद। अगर मैं वहाँ का शूट कर पाई तो आपको दिखाऊंगी, नहीं तो नहीं, क्योंकि वो लोग व्लॉग में आते नहीं है। तो अगर मैं शूट कर पाई तो आपको दिखाऊंगी, नहीं तो फिर कुछ नहीं। मुझे जहाँ जाने का था मैं आ गई, ये मेरे ननद का घर। तो गाइस देखिए, हम सब आ गए थे दावत में, तो यहाँ पे खाना खाया। माशाल्लाह खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। ये था चिकन, वाइट चिकन बिरयानी थी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हम सब मिलकर खाना खाए, बहुत काफ़ी टाइम बाद सब एक साथ मिलकर खाना खाए, बहुत अच्छा लगा। ये लोग चले गए थे उमरा वहाँ से आने के बाद, ये उमरा की उन लोगों की दावत थी मेरी बड़ी ननद की। तो हम लोग सब मिलकर खाना पीना खाने के बाद में उन्होंने गाजर का हलवा भी मंगाया था, तो हम लोग खा रहे थे फिर गाजर का हलवा, साथ ही साथ बहुत ही मस्ती कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, काफ़ी टाइम बाद सब एक जगह मिले थे, बहुत अच्छा। तो ये देखिए अदनान मस्ती कर, जैसे मैंने कैमरा ऑन करी तो उसने मस्ती करना बंद कर दिया। फिर ये सब लड़के गए, उसके बाद ये लोग बकरे को सता रहे थे, बकरे के साथ खेल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्लैक टी बनाया मेरी ननन ने, तो हम लोगों ने ब्लैक टी लेकर अंगार वापस जली हुई थी बड़ी ननन के घर के पास, वहाँ जाके बैठे सब अंगार के बीच में बैठे हुए थे साइड में आजू बाजू। तो ये देखिए बकरे को भी देख रहे कि क्या लोग पी रहे क्या कर रहे, भाईजन उससे कितनी मस्ती कर रहा था, भाईजन का शर्ट चबा रहा था, जब उसको चाय नहीं दे तो वो ऐसा कर रहा था, भाईजन को सता रहा था। फिर हम लोगों ने स्वीट पोटैटो अंगार में भून कर खाने, तो बहुत टेस्टी लग रहा था गाइस। स्वीट पोटैटो इतना मीठा मीठा और इतना अच्छा अच्छा था ना, बहुत अच्छा। बहुत काफ़ी टाइम के बाद हम लोग बैठे, माशाल्लाह ज़रूर बनाओ प्लीज़। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा।